हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहां पर कवर अप करने वाले, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी एंड अदर वैकेंसीज भी हैं यहां पर। ऑल सब्जेक्ट्स, बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको नजर आने वाले हैं नोटिफिकेशन में। सबसे अच्छी बात यह कि सैलरी काफी अच्छी ऑफर हो रही है। पीजीटी के लिए 75,000 रुपीज पर मंथ तक ऑफर हो रही है। टीजीटी पीआरटी के लिए भी 65,000 रुपीज पर मंथ तक सैलरी ऑफर की जा रही है। काफी रेनाउंड स्कूल है। तो आगे बढ़ते हैं, सारी डिटेल हम कवर अप करते हैं। स्कूल काफी रेनाउंड है, अच्छी स्कूल है ये। आप स्क्रीन पर देख सकेंगे इसके जो पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छी है और एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं सीधे और नोटिफिकेशन को कवर अप करते हैं। नोटिफिकेशन दो जगह पे दी गई है, एक तो ऑफिशियल वेबसाइट पे एनपीएस इंटरनेशनल स्कूल मैसूर कर्नाटका स्टेट में। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनके वेबसाइट पर मिलती है, ऑफिशियल वेबसाइट पर। और दूसरी नोटिफिकेशन जारी की है न्यूज़पेपर में 5 मई 2021 को, 5 मई 2021 को दूसरी नोटिफिकेशन है जो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है। दोनों को कवर करेंगे क्योंकि दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। जैसे इसमें सैलरी क्लियर लिखी हुई है न्यूज़पेपर वाले में कि सीनियर ईयर को 60,000 से लेकर 75,000 पर मंथ दी जाएगी, मिडिल एंड प्राइमरी ईयर्स को 55,000 से लेकर 65,000 रुपीज पर मंथ दी जाएगी। पहले न्यूज़पेपर पर कवर करते क्या दी हुई है, उसके बाद हम चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के एडवर्टीजमेंट में क्या मेंशन्ड है। एनपीएस इंटरनेशनल स्कूल मैसूर ये कर्नाटका स्टेट में है। स्ट्रॉन्ग इन कम्युनिकेशन, अगर आसपास के कैंडिडेट, जो आसपास के स्टेट के कैंडिडेट है वो भी एप्लीकेशन डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं। टीचर इन सीनियर ईयर MSc/MCA MPED MCOM MA विद बीएड इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स कंप्यूटर साइंस साइकोलॉजी अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इंग्लिश कन्नड़ा हिंदी संस्कृत फ्रेंच फिजिकल एजुकेशन, इतने सारे टीचर के रिक्वायरमेंट है सीनियर ईयर में। सीनियर ईयर के लिए सैलरी जो है 60,000 से लेकर 75,000 रुपीज पर मंथ तक है। मीन्स मिनिमम सैलरी 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज पर मंथ ऑफर की जाएगी एज पर एडवर्टीजमेंट, न्यूज पेपर एडवर्टीजमेंट। सीनियर ईयर के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। टीचर इन मिडिल एंड प्राइमरी स्कूल में बीएससी बीसीए बीपेड बीकॉम बीए विद बीएड इन इंग्लिश कन्नड़ा हिंदी संस्कृत फ्रेंच फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायो हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिकल एजुकेशन। प्री प्राइमरी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट काउंसलर ट्रेंड नर्स एंड टीचर्स फॉर लिबरल आर्ट्स लाइब्रेरी आर्ट क्राफ्ट डांस म्यूजिक आर ऑल्सो वेलकम। यहाँ पर मैं बताऊं जो स्कूल एडवर्टीजमेंट है उसमें डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन वाले भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ऐसी मेंशन की हुई है नोटिफिकेशन में। फॉर टीचर्स विद एक्सपीरियंस एंड प्रूव्ड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी विल बी कंसिडर्ड फॉर वेटेज, तो फ्रेशर भी एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको वेटेज दी जाएगी, मीन्स प्रेफरेंस दी जाएगी। Those who expect to make substantial contribution, तो application कैसे डालनी है आपको, एक updated CV डालनी है, photograph डालनी है, 1,000 words में एक write up लिखनी है about how you will visualize education for children, तो इस topic पर how you will visualize education for children, इस पर 1,000 words आपको लिखने हैं, एक photograph लगानी है, सीवी लगानी है और आपको ईमेल आईडी पर भेज देनी है। ईमेल आईडी दी हुई है info@npsmysore.com, ये एड्रेस दी हुई है, सैलरी यहाँ पर मेंशन की। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पर इनकी नोटिफिकेशन है वो भी चेक कर लेते हैं। ये प्लीज नोट डाउन कर ले क्योंकि ये इमेज आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगी, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है वो डिफरेंट है। ये न्यूज़पेपर में उन्होंने एडवर्टाइज किया है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की नोटिफिकेशन को समझते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे स्कूल की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये फ्रंट में आपको नजर आने वाली है, कई बार नजर नहीं भी आ रही है अगर स्लो इंटरनेट कनेक्शन है। तो ये इस तरीके से है वेबसाइट पर, एनपीएस इंटरनेशनल स्कूल मैसूर प्रोमोटेड बाय एनपीएस बैंगलोर इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम। तो यहां पर किंडरगार्टन, मोंटेसरी, प्राइमरी इंग्लिश हिंदी कन्नड़ा संस्कृत फ्रेंच मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंटरप्रेन्योरशिप साइकोलॉजी फिजिकल एजुकेशन लाइब्रेरी आर्ट क्राफ्ट डांस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर स्टूडेंट काउंसलर ट्रेंड नर्स
यहाँ पर एप्लीकेशन कैसे डाल सकते हैं, मास्टर्स या बैचलर डिग्री है, रेलिवेंट सब्जेक्ट में डिप्लोमा है आपके पास, मींस डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, या बीएड की है या एमएड की है, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं यहाँ पर। सैलरी पैकेज आपको मैंने पहले दिखा दी कि अच्छी पैकेज है, यहाँ पर भी मेंशन की है वेबसाइट पर सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्ट्रक्चर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्ट्रक्चर अगर फॉलो करते हैं तो 60,000 रुपए के ऊपर सैलरी बनती है टीचर की। यहाँ पर कैसे एप्लीकेशन डालनी है, डिटेल सीवी अलोंग विथ रिसेंट फोटोग्राफ एंड कॉपीज ऑफ क्रेडेंशियल्स, तो ये सारी चीजें आपको भेजनी है आपको, डिटेल सीवी, एक फोटोग्राफ और एक कॉपी, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनकी जेरोक्स कॉपी। तो मे सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ द, तो आपको सीवी कैन बी पर्सनली डिलीवर्ड एट द फ्रंट ऑफिस और सेंट बाय पोस्ट और कुरियर, तो जो वेबसाइट पर लिखी हुई है उसमें लिखा है कि आपको पोस्ट या कुरियर से भेजनी है, तो आप पोस्ट कर सकते हैं, कुरियर से भेज सकते हैं। और दूसरा तरीका है, अगर आप न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की तरफ देखें तो उन्होंने info@npsmysu.com पर ईमेल करने को भेजा है, जिसमें आपको 1000 words की राइटअप भी लिखनी है। तो दोनों को आप अच्छी तरीके से समझ लें और आपको जो भी सही लगता है उस तरीके से एप्लीकेशन डालें। अच्छी अपॉर्चुनिटी क्योंकि सैलरी पैकेज काफी अच्छी है, साथ ही साथ सब्जेक्ट भी काफी ज्यादा कवर अप किए हुए हैं। इसी तरीके से और भी स्टेट से आने वाली नोटिफिकेशन को मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर कवर अप किया जाएगा। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।